पेट्रोल डीजल की कीमतों का हर रोज बढ़ना जारी है। रविवार को फिर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। बता दें कि पिछले 4 महीने से फ्यूल प्राइस स्थिर थे, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पिछले 10 से 15 दिनों से कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इस बार लगभग रोजाना कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी की जा रही है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई का बजट भी बिगड़ रहा है। बढ़ती महंगाई का असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर यूपी के अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता ने जनता से बातचीत की। बढ़ती महंगाई को लेकर जनता ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देश में रोजाना पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, इसके साथ ही रसोई गैस के भी दाम बढ़ गए हैं, जिससे घर चलाने वाली महिलाओं का घर खर्च और किचन का बजट बिगड़ गया। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के एक महिला हैं नवनीता चौधरी जी, जिनके किचन में मौजूद हैं, पेशे से टीचर हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, रसोई गैस महंगी हुई है, रसोई गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, किचन के बजट पर फ़र्क पड़ा है? सबसे पहले तो मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। मैं नवनीता रॉय चौधरी यहाँ पे लखनऊ में 11 साल से हूँ और 7 डे स्कूल आकाशवाणी के सामने बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूशन है, मैं वहाँ पे कार्यरत हूँ अभी। और टीम आई है मेरे घर में, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस हिसाब से यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, वो भी फेस कर रहे हैं काफ़ी तमाम समस्याएं, तो हमें उसका कुछ असर यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ज़रूर। लेकिन चूंकि हमें मोदी और योगी पे बहुत भरोसा है, उनके काम पे वो कार्यरत हैं, उनके उस कार्य शक्ति को हमने देखा इस 3 साल, जिस तरह से इस कोविड के समय, जिस तरह से आपका नोटबंदी ले लीजिए, उस समय जो उन्होंने काम किया, जिस समय उन्होंने कार्य दिखाया, तो हमें आशा है कि इस पर भी वो काम करेंगे, चिंतन करेंगे ज़रूर, और हमें थोड़ी सी राहत तो मिलेगी ही। हाँ, ये ज़रूर ये बात है कि जो आजकल के बच्चे हैं, जो अभी घर बैठे हैं या जिनको काम की ज़रूरत है, तो वो स्कूटर या बाइक या गाड़ी से भी जाएंगे अगर इंटरव्यू देने, तो भी तो उन्हें पेट्रोल की ज़रूरत तो होगी ना। तो पेट्रोल की ज़रूरत अगर होगी तो पेट्रोल के दाम पर अगर थोड़ा सा उसमें कमी या घटती रेट पर वो आ जाए, तो मेरे ख्याल से आज के जो नवयुवक हैं, जो हमारे जो नए लोग आ रहे हैं, हमारे दूसरी पीढ़ी जो आ रही है, उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। हम तो गृहिणी हैं, हम तो अगर गैस नहीं है तो हम इंडक्शन में काम चला लेंगे, क्योंकि हमें काम करना है। लेकिन जो नवयुवक हैं, जिनके पॉकेट में भी पैसा नहीं है, जिनके पॉकेट में पैसा भरने के लिए वो काम की तलाश में हैं, तो उनके लिए अगर पेट्रोल थोड़ा सा वो हो जाए, उस पर वो काम करेंगे, मुझे योगी जी और मोदी जी पे पूरा भरोसा है कि वो इस पर चिंतन ज़रूर करेंगे। उज्ज्वला योजना आई थी, उज्ज्वला योजना के तहत कई महिलाओं को सिलेंडर दिए गए, गरीब महिलाओं को, लेकिन जिस तरीके से सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, आम जिंदगी जो जी रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली या अपर क्लास फैमिलीज हैं, उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आम जिंदगी जी रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत स्कीम में उनको सिलेंडर मिला है, अब ऐसे में अगर सिलेंडर महंगा हो जाएगा तो वो कहाँ से सिलेंडर भरवाएंगे? देखिए, उज्ज्वला योजना जो है वो गरीबी रेखा के नीचे वालों को शायद प्रोवाइड किया गया है, लेकिन हाँ, ये बात आपकी एकदम सही है कि सब सरकारी नौकरी पर कार्यरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे हस्बैंड सरकारी में हैं या गैर सरकारी में भी हैं, लेकिन एक पद पे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम गैस नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इंडक्शन में। लेकिन जो चूल्हा पे या जो एक सिलेंडर या एक ओवन पे काम चलाते हैं, या जो सारे दिन थक के आने के बाद शाम को खाना बनाते हैं, तो उनके लिए हम ये कहेंगे कि गरीबी रेखा बड़ी बात नहीं है, इंसान सब जगह सब गरीब और अमीर कुछ नहीं है। हम सोचते हैं कि चंद पैसों के लिए वो दर्शाया जाता है, उस रेखा में, उस दृष्टि में आता है कि ये गरीब है ये अमीर है। लेकिन हम आज के इस ज़माने में, जब लॉकडाउन ने दिखा दिया, जब कोविड ने दिखा दिया, हम बराबर हैं। किस तरह से काम हुआ, किस तरह से यही गैस सिलेंडर हमें टाइम से टाइम पहुंचाया गया, यही दवाइयां हमें टाइम से टाइम प्रोवाइड की गई, प्रोविजन वालों ने घर घर डोर डोर हमें सब सामान दिया। तो मोदी जी योगी जी यहां तक काम कर चुके हैं, तो हमें लगता है कि इस बारे में इस चिंतन को ये नॉट उज्ज्वला योजना और भी योजनाएँ उनके दिमाग में होंगी और वो करेंगे, और मेरा पूरा मतलब एक एक्सपेक्टेशन है, एक आशा है कि इस चीज़ में हम
जरूर कामयाब होंगे गैस की रेट में और पेट्रोल की उसमें हम इसको कमी ला सके। पेट्रोल तो बहुत एसेंशियल है क्योंकि हर डॉक्टर, हर आदमी, हर डॉक्टर, हर अफसर या हर बड़े पद पे वो कार्यरत या हर सभासद विधायक नहीं होता है। आम आदमी भी स्कूटर चलाता है, एक आम लड़की भी स्कूटी चलाती है, उसको टाइम से ऑफिस जाना होता है। तो अगर उसके पास पेट्रोल के लिए कभी 35 रुपये 40 रुपये के लिए भी आदमी हाथ फैलाता है, तो इसकी स्थिति ना हो, एक मीडियम रेंज रखा जाए जो कि वो उसमें पहुंच सके। उस इंटरव्यू के हॉल तक भी इंसान नहीं पहुंच सकता है। ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एक क्लोज रिलेटिव है जो सिर्फ पेट्रोल नहीं होने की वजह से गाड़ी में वो इंटरव्यू के टाइम पे टाइम से नहीं पहुंच सका और उसके हाथ से वो अच्छी खासी नौकरी चली गई। तो ऐसी स्थिति ना हो, कम से कम जेब में एटलीस्ट 100 रुपये का नोट या 70 या उससे भी कम, ये एक मिनिमम रेंज में पेट्रोल होना चाहिए ताकि कोई भी एक मर्सी में भी किसी से कोई मांगे तो दे दे एटलीस्ट पेट्रोल पंप वाला ही। दो बातें आपने कहीं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और कम से कम 100 रुपये जेब में होने चाहिए, लेकिन आज लगभग पिछले 10 दिनों से 80 पैसे रोज़ बढ़ोतरी हो रही है पेट्रोल में, 8 से 10 रुपये तक महंगा हो चुका है पेट्रोल और अब तो 100 पार जा चुका है। ऐसे में जो बच्चे हैं स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, क्या गवर्नमेंट से मांग है आपकी कि पेट्रोल डीजल के दामों से, क्योंकि महंगाई बढ़ रही, इस पर रोक लगनी चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट से मांग तो यही मैं कर सकती हूँ कि जो बच्चे अभी कर रहे हैं, चूँकि यूक्रेन और रशिया का बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है और उसका देखिए कहीं पर भी चीन में, चाइना में, आपके सबसे वहाँ में सबसे पहले कोविड हुआ, लेकिन असर किसको हुआ? इंडिया में सबसे ज्यादा हुआ। तो वहां पे अगर वॉर हो रहा है तो उसका कुछ तो असर हमें झेलना पड़ेगा। ये मेरी मतलब एक नॉर्मल पब्लिक से ये अपील है कि घबराएं नहीं, क्योंकि कोविड में भी हम नहीं घबराए थे। अगर अभी बढ़ रहा है तो इसमें वो हमारी जो मंत्रिमंडल है वो जरूर बैठेंगे, जरूर चिंतन करेंगे। उनको एक एक आदमी की परख है, एक एक इंसान के लिए वो इंसान सोचते हैं। जो मोदी जी और योगी जी उनका पूरा बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल है, वो सोचते हैं और इसका प्रमाण हमें मिल चुका है। इसलिए हम चाहते हैं कि चूंकि रशिया और यूक्रेन का जो लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है, इसका इम्पैक्ट है ये जो अभी बढ़ रहा है, कहीं से तो पैसा उनके पास भी जाए, अगर वो हेल्प के लिए मांगे तो हम कहां से देंगे। तो ये एक इम्पैक्ट है, ये एक असर है, ये भी खत्म हो जाएगा। और हमें हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन हम एक अपील आप सबकी तरफ से, या हम हमारे नवयुवक की तरफ से, या छोटे बच्चों की तरफ से, या जो कामकाजी महिलाएं हैं, जैसे मैं खुद कामकाजी हूं, तो ये अपील जरूर कर सकती हूं कि पेट्रोल और गैस का मैंने फिर ऑप्शन दिया है कि इसके लिए अल्टरनेटिव है, क्योंकि अगर गैस का दाम बढ़ेगा तो फिर हमारे सारे बजट बहुत डिसबैलेंस हो जाते हैं, फिर हमें कहीं ना कहीं उस चीज़ को कटौती करनी पड़ती है ताकि उसको बैलेंस में लाए, क्योंकि सब लोग सब सरकार में, सरकारी क्षेत्र में या बड़े पद पे नहीं होते हैं। हम अपने को मिडिल क्लास में लेके चलते हैं, तो एक आम जनता के, आम नागरिक के हिसाब से मैं ये कह रही हूँ, अपील है, दिस इज़ रिक्वेस्ट फॉर माय साइड एंड माय होल एंटायर लखनऊ वासियों की तरफ से कि जिस समय भी थोड़ा सा भी वो चिंतन करें हमारे मंत्रिमंडल, पेट्रोल और गैस, गृहिणी और हमारे जो नए युवक, नए युवतियां आ रही हैं, हमारी दूसरी पीढ़ी, उनके लिए थोड़ा कारगर सिद्ध हो। एक लास्ट क्वेश्चन है, यूपी सरकार का बजट आने वाला है और बताया जा रहा है कि इस बजट में उज्ज्वला योजना के तहत होली और दिवाली में महिलाओं को दो दो सिलेंडर मुफ्त देने की स्कीम है, कैसे देखती हैं आप इस स्कीम को? देखिए, ये तो स्कीम है, अभी दिवाली तो अभी अभी गई है, अब होली भी गई है, तो होली दिवाली आने दीजिए, उसके पहले तो इंसान कल का ही नहीं बता सकता है, मैं इतने आगे का भविष्य कैसे करूं। लेकिन अगर मोदी जी ने कुछ कहा है, या मंत्रिमंडल ने कुछ कहा है, या भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कुछ कहा है, तो ये तो मैं आशा के साथ 99% कह सकती हूँ। ये मेरा खुद का बहुत दृढ़ एक वो है, संकल्प है, या दृढ़ एक भाषा है एक लाइन की, कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रही थी नवनीता राय चौधरी जी, जो पेशे से एक टीचर हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं, उनकी जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसमें रुकावट आनी चाहिए, क्योंकि जो नवयुवक हैं, जो जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और रसोई गैस के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, किचन के बजट पर भी असर पड़ रहा है, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज़, लखनऊ। चुनाव के बाद में अब तक लगातार डीजल और पेट्रोल पर 10 बार लगभग
लगभग 10 बार बढ़ोतरी हो चुकी है और इन 12 दिनों के अंदर लगभग 7 रुपये 98 पैसे तक पेट्रोल और डीजल महंगा हो चुका है। महंगाई काफ़ी ज़्यादा है और पेट्रोल डीजल की वजह से जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिसमें रसोई का किचन भी बिगड़ चुका है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है? जी, पेट्रोल डीजल लगातार लगभग 10 बार बढ़ चुका है, क्या कुछ बढ़ चुका है? महंगाई बहुत महंगी, महंगाई ज़्यादा है, पेट्रोल। महिला भी हमारे साथ में, इनसे जानते हैं रसोई का बजट कैसा है। मैडम क्या कर रही हैं? और दूसरा पेट्रोल डीजल तो इतना महंगा कि गर्मी में हमें स्कूटर में वो चल करना पड़ता है, कार के होते हुए तो पेट्रोल नहीं भरवा सकते। और आपके जो पहले रसोई का बजट था, अब क्या कितना अंतर आ चुका है, लगभग क्या मानते हैं? अंतर तो आया ही आया है, हर चीज़ महंगी, सब्जियाँ महंगी, सब्जी 20 रुपये किलो बिकती थी, आज 100 रुपये किलो, जिन्हें को लोग खाना भी पसंद नहीं करते, सब कुछ महंगा। तो कहीं ना कहीं रसोई का भी बजट बिगड़ चुका है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ में, कोई बात करते हैं। कहीं आपका नाम विमल जी, पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहा है, क्या कुछ करेंगे? महंगाई इफेक्ट कर रही है आम पब्लिक, आम जनता का लगभग लेकिन सस्ताई क्या होगी जी, बताओ। जनता पर इफेक्ट कर रही है, महंगाई का जो मार है आम जनता पर पड़ रही है, हम लोगों पर कमर भी वालों पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के लेकर के रसोई का भी बजट बगट बिजट 2014 में 400 रुपये सिलेंडर। लोगों को वैसे पता तो था कि सरकार बनेगी तो फिर हर चीज़ पे रेट बढ़ेंगे, हर चीज़ पे दाम बढ़ेंगे, मगर सरकार को हर चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि सरकार को अपनी छवि बचानी है तो हर चीज़ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। पेट्रोल नहीं, हर चीज़ पे महंगाई पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तब ये सरकार चल पाएंगी, नहीं तो बहुत सी बात है 5 साल हाल गुजर जाते हैं। बढ़ेंगे कि और बढ़ेंगे, जब मार्केट बाहर रेट कच्चे रेट बढ़ेंगे तो उसके रेट बढ़ेंगे, जो सारे इंजेक्शन लगाने के लिए फ्री चाहिए तो पेट्रोल के दाम जाएंगे, कहाँ से आएंगे? लोगों को वैसे पता तो था कि सरकार बनेगी तो हर चीज़ पे रेट बढ़ेंगे, हर चीज़ पे दाम बढ़ेंगे, मगर सरकार को हर चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि सरकार को अपनी छवि बचानी है तो हर चीज़ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। पेट्रोल नहीं, हर चीज़ पे महंगाई पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तब ये सरकार चल पाएंगी, नहीं तो बहुत सी बात है 5 साल हाल गुजर जाते हैं। बढ़ेंगे कि और बढ़ेंगे, जब मार्केट बाहर रेट कच्चे रेट बढ़ेंगे तो उसके रेट बढ़ेंगे, जो सारे इंजेक्शन लगाने के लिए फ्री चाहिए तो पेट्रोल के दाम जाएंगे, कहाँ से आएंगे? आप सब्जी का ठेला लगाए हुए हैं जी, जी जी, तो कितनी महंगाई है, महंगाई इसके चलते आपके यहाँ दिक्कतें हैं, क्या सब्जियाँ बिक पा रही हैं? नहीं, कम बिक रही भाई। अच्छा, कम बिक रही, महंगाई ज़्यादा। रात्रे भी चल रहे हैं, रमज़ान भी आए हैं, तो सब्जियों का तो बिकने का प्रचलन बढ़ना चाहिए था, कम कैसे? ये तो महंगाई इतनी बढ़ रही है इसलिए नहीं बढ़ बिक पा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ग्राहक भाव पहुँचता चले था भाग के। अच्छा, अगर रेट की बात करें तो क्या चीज़ समय महंगी है सब्जियों में? सब्जी सारी सब्जी महंगी है, करेला है, भिंडी है, तोरी है, महंगी सारी। नींबू सबसे महंगा, नींबू चल रहा है, नींबू बहुत महंगा है। अच्छा, मेरे साथ एक लेडी है, ये बताइए घर के रसोई का मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, बहुत महंगाई बता रहे हैं भैया। बस जहाँ 1 किलो लेने की सोचते हैं वहाँ 1/2 किलो ले लेते हैं, अगर जहाँ 1/2 किलो लेने की सोचते हैं वहाँ 1 पाव ले लेते हैं, बस ऐसे हो जाता है। तो आमदनी तो बढ़ी नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। हाँ भैया, दिन ब दिन महंगाई बहुत बढ़ रही है, पता नहीं क्या होगा देश का। अच्छा, क्या लेना है फिलहाल? तो हम गोभी लेने आए हैं। एक गोभी से काम चल जाएगा? हाँ भैया, फिलहाल का चल जाएगा। टमाटर और हरी मिर्च और हरा धनिया, वो मैंने अंकल जी से पहले ले लिए थे। अच्छा, पहले ले लिया। आप फ्री देते हैं या अभी पैसे ले रहे हैं? थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, थोड़ा डाल देते हैं भाई, हल्के हाथ चलाते हैं ना, हल्के हाथ चलाते हैं। अच्छा, महंगाई तो है, मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। अच्छा, आप फ्रूट्स भी बेच रहे हैं और सब्जी बेच रहे हैं, ये बताइए कितनी महंगाई है, क्या महंगाई के चलते? आप भी रुक जाइए, यहाँ पे बात करेंगे। महंगाई के चलते कितना फ़र्क पड़ रहा है कारोबार? काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है भाई साहब, काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, इतना फ़र्क पड़ रहा है, मजदूरी हमारी निकल नहीं पा रही। जी हाँ, मजदूरी निकल पा रही नहीं है, सब वहाँ से मंडी से सौदा लाते हैं महंगा, और यहाँ बिक नहीं पा रहा है, वापसी फेंकना पड़ रहा है हमें, इसलिए महंगाई की वजह से हमें बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अच्छा, आप क्या लेना है? बस अकेले लेना है। क्या अकेले लिया आपने? 30 रुपये के लिए, 6 के लिए। अच्छा, तो क्या लगता है महंगाई बढ़ी है चीज़ों पे? नवरात्रे चल रहे हैं, उधर रमज़ान चल रहे हैं, तो आपको 6 केले खरीदने थे, ज़्यादा खरीदने थे? बस बहुत से मंगाए थे, 6 केले खरीदने थे।
तो महंगाई से कुछ परेशानी है? महंगाई क्या, दिन पर दिन महंगाई बढ़ती है, डीजल पैसे बढ़ गए, पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए, सिलेंडर गैस सिलेंडर पैसे बढ़ गए, तो महंगाई तो महंगाई है, बताओ। तो क्या लगता है जो बजट है आम लोगों का वो गड़बड़ा रहा है महंगाई से? बस अब देखो दुनिया तो चल रही है, तो चलाएंगे आगे जैसे भी होगा। अब महंगाई भी होती है, महंगा सस्ते तो होने की नहीं, महंगाई महंगा होती है। अच्छा महंगाई तो बढ़ी है। मेरे साथ एक और सज्जन रुके हैं। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं टिफ़िन का काम है मेरा। टिफ़िन का काम करते हैं, तो टिफ़िन पहले जो जा रहे थे उसके मुकाबले इतने जा रहे हैं या कुछ कम जा रहे हैं? वजह बस वो महंगाई है कुछ वैसी। कहाँ आपकी रसोई किधर है? इधर ही है, इंदिरा नगर में। अच्छा इंदिरा नगर, कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं? दिल्ली रोड, दिल्ली रोड। सुपर टेक। तो क्या लोगों ने लेना बंद कर दिया या महंगाई की वजह से उन्होंने समस्याएं बताई? लेना भी बंद कर दिया, महंगाई की वजह से समस्या बता रहे हैं लोग, बाग में महंगाई तो है। साइकिल से क्यों चल रहे हैं, कैसे कवर करते हैं? बाइक नहीं आपके पास? बाइक है, तेल कहाँ से आएगा? अच्छा बाइक है, तेल नहीं है। तेल कहाँ से आएगा? अच्छा। 100 रुपये रोज का पेट्रोल क्यों भूखे जब काम ही नहीं है? तो अपना साइकिल से आमदनी कितनी कर पा रहे हैं फिर? आमदनी कहाँ, तो 2-3 टिफिन देखा है। क्या आमदनी होगी? ये तो ये काम तो छोड़ना नहीं पड़ता। 3 टिफिन में क्या बच जाएगा? बस अब छोड़ना नहीं पड़ता, 10 भी हो जाए 20 भी हो जाए इनसे ही। छोड़ नहीं सकते ना, अब करें क्या फिर वो? तो आपकी अपनी रसोई है या जॉब करते हैं? अपनी है, खुद ही बांट रहे साइकिल से। खुद ही, हाँ जी। पहले मतलब खुद रसोई के मालिक हैं, साइकिल से बांट रहे हैं, बाइक आपने खड़ी कर दी है, तो क्या क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? महंगाई की वजह से, खर्चा कम करो जब आमदनी नहीं है। तो ये बड़ी बात है, इन्होंने जो है अपनी सच्चाई बताई। आप बताइए क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो, ये बताइए क्या लगता है महंगाई से आपके आम जनजीवन पर फर्क पड़ा है कुछ? बहुत फर्क पड़ गया हमारी, मतलब किराए लेके जाते हैं घर से, बाइक से जाते हैं स्कूल? किराए से जाते हैं अभी तो फिलहाल। हो पाता है पूरा? नहीं, कभी कभी देखते हैं, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं। पॉकेट मनी मिलती है घर से? नहीं। हाँ मिलते जाती है, थोड़ी बहुत ही मिलती है, पहले जैसे नहीं मिलती। तो ये महंगाई की अगर बात कर ली जाए तो महंगाई का जो प्रकोप है वो लोगों पर लगातार बना हुआ है, क्योंकि डीजल पेट्रोल या कहे जो तेल की कीमतें वो बढ़ी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो खाद्यान्न चीज़ें हैं, जो अन्य चीज़ें हैं, कुछ भी चीज़ उठाकर देख लीजिए, लोहे से लेकर के फल तक सभी चीज़ें महंगी हुई हैं, जिसका फर्क और जिसका असर सीधे आम जनता पर पड़ता दिखाई दे रहा है। अपने सहयोगी समीर के साथ मैं मनोवर चौहान, R9 न्यूज़ मेरठ। बढ़ती महंगाई से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार जिस तरीके से देश और प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है उससे लोग परेशान हैं, हलाकान हैं। लगातार सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाया जाए। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडरों में वृद्धि हो रही है, जो आम जनजीवन है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, कहीं ना कहीं उनका बजट गड़बड़ हो गया है। पेट्रोल में वृद्धि के साथ साथ हमारे जो घर की महिलाएं हैं, जो पूरे घर का बजट बनाती हैं और घर को देख रेख करती हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो गैस सिलेंडरों में वृद्धि हो रही है और जो जीवन के चलाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, उससे उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बजट, ऑब्वियस सी बात है, बजट बढ़ जाएगा, महीने का जो खर्च कम पैसों में होता था अब उसका ज़्यादा हो जाएगा। कुछ महिलाएँ हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। मैडम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी लगातार महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस सिलेंडर हो, आप महिला हैं, घर चलाती हैं, तो जो महीने का बजट होता है जो पहले कम पैसों में होता था अब वो बढ़ गया, तो क्या किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सर जो हम लोग पूरे महीने का बजट, मतलब पूरे महीने का बजट कुछ पैसों में कर लेते थे, अब वो हमारा पूरा पैसा जो है महीने के खाने पीने में ही निकल जाता है। जैसे ये अब देखिए गैस का रेट है, ये बहुत आगे चला गया है। पहले कपेछक क्योंकि 900 में था, सीधे 50 रुपये महीने का बढ़ रहा है, तो इससे हम लोग महिलाओं को महीने भर का जो बजट है उसे मतलब व्यवस्थित करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो कुछ मांग करती हैं सरकार से, क्या चाहती हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं कि ये सब चीज़ों को एक लिमिट में करें, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार अच्छे से अपना कर सके पूरे महीने का बजट।
बहुत अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन है। कुछ लोग और हैं मैडम, ये बताइए आपका भी अगर देखा जाए महिला है जुड़ी हुई है तो कितना प्रभाव पड़ रहा है महीने में? सर देखिए, एक तो हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, बहुत हाई क्लास से तो नहीं है, बट जितनी है सैलरी आती है मंथ में वो तो डॉक्टर में चली जाती है। ऑब्वियसली कि हर फैमिली में कोई ना कोई बीमार रहता है, और साथ में कुछ और भी चीज़ें होती हैं, खाने पीने का खर्च, और अगर बच्चे हैं तो उसमें उनकी फीस चली जाती है स्कूल में। बाकी कुछ हमारे कुछ सेविंग्स नहीं हो पा रही है। अगर हमें फ्यूचर के लिए कुछ भी सोचना है या कभी कुछ हमें सोचना है कि हमें ये ख़रीदना है तो हमें बहुत सोचना पड़ता है कैसे। तो फिर एक टाइम आता है कि हमें कुछ भी अगर कुछ करना है तो हमें लोन की तरफ जाना पड़ता है कि हमें फिर अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें लोन करवाना पड़ता है। फिर हम जब लोन लेते हैं तो हम उसकी ईएमआई भरते भरते हम उसी पर ही मतलब दबे रहते हैं, हम उठ नहीं पाते हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि कल की डेट में देख लीजिए तो मैंने पेट्रोल डलवाया स्कूटी में तो 102 रुपये 38 पैसे थे। अभी मैं पहले डलवाती तो 100 रुपीज़ का पेट्रोल की छोड़ दीजिए, घर की बजट पे कितना असर पड़ा है। इससे ये होता है कि हमारे पास कुछ सेविंग्स ही नहीं हो पाती है। अगर कुछ फेस्टिवल आते हैं तो हमें सोचना पड़ता है दाल चावल रोटी इनके लिए। देखिए सरसों का तेल हो गया 220 रुपये किलो, पहले एक टाइम था कि 100 रुपये 90 रुपये 80 रुपये किलो मिलता था, अब ये बताइएगा 220 रुपये किलो हो गया। तो अगर किसी की फैमिली में 6 फैमिली मेंबर हैं तो 5 लीटर तो लगेगा ही। तो फिर अगर हम इतनी इसमें चली गई, अगर 10,000 किसी की सैलरी है तो कैसे क्या मैनेज। क्या कहना चाहती हैं सरकार से? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो थोड़ी महंगाई है उसको हम मिडिल क्लास लोगों के बारे में भी सोचें, हम कैसे मैनेज करेंगे। तो ये महंगाई को जहाँ है वो थोड़ा कम करें, और भी चीज़ों में, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, चाहे पेट्रोल को लेकर हो या घर के सामान में राशन में हो, किसी भी चीज़ सिलेंडर में। जी मैं नैन्सी हूँ। तो जिस तरीके से देखा जो घर की महिलाएं हैं उनका भी सीधा यही कहना है कि लगातार जिस तरीके से महंगाई में वृद्धि हो रही है, लगातार घरेलू जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, मध्यम वर्गीय परिवार है जो उसका एक बजट सेट होता है हर महीने का कि हम इतने पैसों में अपना घर चलाएंगे, इतने पैसों में ये लाएंगे और वो लाएंगे, लेकिन जो सेविंग्स है वो सेविंग्स नहीं हो पा रही है महंगाई बढ़ने के साथ साथ, सारी जो पैसे हैं वो इन्हीं सब चीज़ों में खर्च हो रही है। तो सीधे सरकार से वो यही गुहार लगा रही है कि सरकार को इस तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करना चाहिए जिससे आम जनजीवन नॉर्मल हो सके और लोगों को सहूलियत मिल सके। कैमरामैन शिव कुमार मौर्य के साथ विवेक पांडे, R9 न्यूज़ प्रयागराज। सर पेट्रोल की कीमत जो बढ़ रही है उससे हमारी जेब के ऊपर काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्यों? जो हमारी बचत होती है वो सारी पेट्रोल में चली जाती है। हम कुछ भी सामान मंगाते हैं आधे से ज़्यादा तो हमारा उसी में निकल जाता है, हम मंगाएंगे कैसे जब हमारी बचत ही नहीं होगी? सबसे ज़्यादा बचत तो हमारी पेट्रोल वगैरह से होती है। हमारा जेब इतनी ज़्यादा हो जाती, भारी हो जाती है कि हमारा महीना काटना मुश्किल हो जाता है। अब काटे कैसे? गाड़ी चलानी है लेकिन चलानी तो पड़ेगी, अब क्या करें सर? रसोई सिलेंडर के दाम बढ़ने के कारण रसोई का बजट बहुत गड़बड़ा रहा है, जिसके कारण रसोई को संभालना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। अचानक दाम बढ़े इसको लेकर कुछ सोचा था? नहीं, हमें बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि रसोई के दाम इस तरीके से बढ़ जाएंगे गैस सिलेंडर के, और रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के कारण घर का सारा बजट एकदम से गड़बड़ा गया है। पता नहीं ये महंगाई और कहाँ जाएगी। महंगाई की मार से जहाँ एक तरफ आम आदमी त्रस्त है, वहीं महंगाई की मार अब आम गृहिणियों तक पहुँच गई है। रसोई का बजट भी इससे लगातार प्रभावित हो रहा है। आइए जानते हैं कि महंगाई की मार से किस तरह यहाँ पर लोग त्रस्त हैं। आप एक गृहिणी हैं और महंगाई लगातार बढ़ रही है, इसको देखते हुए किस तरह से आपको ये प्रभावित करता है? देखिए जिस तरह से रोज पर महंगाई बढ़ती जा रही है, दिनों दिन डीजल पेट्रोल गैस 50 रुपये भी गैस के दाम बढ़ गए, इसका सारा खासा फर्क हम गृहिणियों पे पड़ रहा है। आज हम अपने परिवार को पोषण युक्त खाना नहीं दे पा रहे हैं। जो गरीब आदमी का खाना कहा जाता था कि दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, आज वो दाल रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। सरकार जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, तमाम मंदिरों पर और चीज़ों पर ध्यान दे रही है, लेकिन जो एक इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए जिससे देश चलता है, उस व्यक्ति को जो पूर्ण पोषण युक्त खाना मिलना चाहिए, आज वो भी संभव नहीं हो पा रहा है। अगर कोई पूजा पाठ करानी हो, जैसे आज नवरात्र का महीना चल रहा है, लेकिन आम आदमी का बजट इतना हिल गया है कि किसी भी तरह से चीज़ें मुमकिन नहीं हो पा रही हैं। जैसा कि आपने देखा कि इनका स्पष्ट कहना है कि एक तरफ सरकार जहां बड़ी बड़ी बातें करती है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात की जाती है, लेकिन आम आदमी और गृहिणियों का जीवन किस तरह से प्रभावित होता है महंगाई से, वो बात इन्होंने बड़ी स्पष्ट तरीके से बताई। आप बताइए कि आप भी किचन का ही काम करती हैं, किचन में ही हैं, तो
क्या लगता है कि जैसे डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं और घरेलू गैस सिलेंडर और अन्य चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो इससे किस तरह से गृहिणियाँ प्रभावित होती हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जैसे हम लोग को कोई भी विटामिन्स और मिनरल्स जो फूड्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा माल प्रैक्टिसेस भी हैं जिससे हम लोग को पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता है। बता दें कि पेट्रोल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, पिछले 10 दिनों में 12 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं और लगातार इसी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोल का यह आंकड़ा सैकड़े से ऊपर पहुंच चुका है। आइए बता दें कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पेट्रोल के दाम 103.79 रुपये पहुँच गए हैं और लगातार इनके दामों में वृद्धि हो रही है और ये वृद्धि रुकने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि पेट्रोल के दाम बढ़ने के साथ साथ महंगाई भी लगातार चरम पर बढ़ रही है। जहाँ तक ये बताया जाता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ने के साथ साथ अन्य चीज़ों के दाम भी लगातार बढ़ते जाते हैं। आइए बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से उन्हें किस प्रकार की तकलीफें हैं। भाई साहब ये बताइए कि आप यहाँ पर रहने वाले हैं, इधर देखिए किस तरह की दिक्कत आपको आ रही है पेट्रोल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं? पेट्रोल हर तरीके की दिक्कत है गृहस्थी में, अब क्योंकि जो किसान है और गल्ला बेच के बताए हुए कितना पेट्रोल भरा है, लेकिन बिना साधन के यही एकमात्र साधन है और वो भी महंगाई के मार से किसान या जो भी है सब त्रस्त है। चुनाव में ये वादा किया गया था कि महंगाई नहीं बढ़ेगी, महंगाई पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन अब लगातार बढ़ रहा है। हाँ, तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, वादे के हिसाब से बिल्कुल मैंने वादा खिलाफी की बात कही जाए तो यही कहने में समझ में बात आती है। सरकार जब तक सरकार नहीं बनी थी या इलेक्शन नहीं हुआ था तब तक की बात कुछ और थी, हो जाने के बाद आज हम कितने किल्लत की ज़िंदगी भोग रहे हैं, दुख की ज़िंदगी भोग, कष्ट की ज़िंदगी भोग रहे हैं जिसका कोई इंतहा नहीं। आइए यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं, ये बताओ कि क्या दिक्कत हो रही है डीजल का? अरे डीजल का दाम इतना बढ़ गया, सवारी हम लोग खुद ही नहीं मिल पा रहा है, कमाई नहीं पा रहे हैं, क्या हम लोग देंगे मालिक को? अच्छा, और बड़े मालिक 5 रुपया खुद ही ले रहा है, हम लोग क्या बचा के देंगे, हम लोग क्या कमाएंगे खाएंगे? हम लोग डीजल का दाम बढ़ने से तुम्हें क्या दिक्कत आती? अरे हम लोग को बहुत दिक्कत है, हम लोग को सवारी भी नहीं मिल पा रहा, पैसा भी नहीं ढंग से मिल पा रहा है, कमाई नहीं हो पा रहा, कैसे हम लोग चलेंगे? हम लोग भाई अपना तो पेट पर्दा चला रहे हैं, कैसे चलाएंगे अपने घर का पर्दा कैसे चलाएंगे पेट पर्दा? किराया भी कुछ बढ़ा दिया है? नहीं, किराया तो कुछ नहीं बढ़ा है, किराया तो जो है वही किराया है, अब बढ़ाने पर तो बोल रहे सवारी क्यों इतना सवारी बढ़ा। हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, एक टेम्पो चालक का कहना है कि किराया तो उसने वही रखा हुआ है लेकिन डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उससे उसके मुनाफे में कमी आ गई है और इस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या समस्या आ रही है भाई साहब? ये कि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल किस तरह समस्या आती है? समस्या इतना महंगा हो रहा है, समस्या तो बहुत समस्या है, इस पर रोक लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। सरकार रोक क्यों नहीं लगा पा रही इस पर? अब सरकार के जाने ना, हम लोग क्या जानेंगे, सरकार जब चुनाव नहीं हुए थे तो कहती थी कि महंगाई पर रोक लगाई जाएगी, बेरोजगारी दूर की जाएगी, लेकिन अब क्या लगता है, अब क्या, अब तो रोज दाम बढ़ रहा है तो क्या लग रहा है, क्या फर्क पड़ेगा आम जनता पे इससे? लंबाने बहुत पड़ेगा, महंगाई खाद्यान्न तेल वगैरह सब पर तेल पर निर्भर है, भाड़ा बढ़े तेल बढ़ेगा तो भाड़ा बढ़ेगा, दिक्कत होगी आम जनता पर पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा कि लगातार आम लोगों का यही कहना है कि डीजल और पेट्रोल के दामों के बढ़ने से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सरकार इस तरफ कोई भी महत्वपूर्ण प्रयास नहीं कर रही है। अनूप कुमार, R9 TV, सोनभद्र।